देश की सबसे चौड़ी और राज्य की सबसे लंबी सुरंग का काम 90% पूरा हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राज्य की उपराजधानी नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे के सुरंग का काम लगभग पूरा हो गया है। एपकॉन कंपनी के माध्यम से नासिक और ठाणे जिले की सीमा पर इगतपुरी के पास वशाला में सुरंग का काम अपने अंतिम चरण में है। MSRDC के अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रास्ते में बनने वाली 6 सुरंगों में से ये सुरंग सबसे लंबी और चौड़ी है। ये दोहरी सुरंग बाएं ओर 7.78 किलोमीटर और दाईं ओर 7.74 किलोमीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी है। वाहन चालकों को कसारा घाट पार करने में इस समय 20 से 25 मिनट लगते हैं, जबकि इस सुरंग से मात्र 5 से 6 मिनट में घाट पार हो सकेंगे। ट्विन टावर के अंदर कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बिजली के काम जैसे लाइट लगाने, पंखे और सिविल वर्क जारी। एपकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर शेखर दास के अनुसार टनल का लगभग 90% काम हो गया है। इसे 2 साल के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। समृद्धि कॉरिडोर के पैकेज 14 की जुड़वा सुरंग को 100 साल की आयु के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के वाहनों की गति सीमा के लिए डिजाइन किया गया। इस टनल को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में वॉर रूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के महानिदेशक राधेश्याम मोपलवार के अनुसार नागपुर से शिरडी तक 480 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार पीएम मोदी के हाथों इसके उद्घाटन का इंतजार कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक 701 किलोमीटर के इस लंबे एक्सप्रेसवे को साल 2023 के दिसंबर महीने तक खोलने का लक्ष्य है। इस पूरे काम पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद मुंबई से नागपुर का सफर महज 8 से 9 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।